देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। ये बेला महादेव मंदिर है जिनकी महिमा कहीं भी किसी भी स्थान से कम नहीं, जो मांगे वो मिलेगा। लेकिन सवाल है कि मिलने के पीछे लोगों की क्या आस होती है और कितनी भक्ति होती है। तो आज आपको बता दें कि इस बेला महादेव मंदिर में लोगों की जो आस है वह काफी पूरी होती नजर आ रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण बेला महादेव मंदिर में बसा बैल का लगातार इन दो सोमवारी से दूध पीने का काम जारी है। आपको बता दें कि यह कहीं ना कहीं भगवान की महिमा है और लोगों का जो आस है वह है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर आने के बाद उनकी जो भी मांग और जो मुराद होती है वह पूरी हो जाती है। अगले सोमवार को भी अर्थात पहली सोमवारी को भी लोगों ने दूध पिलाने का काम किया। लोग कहते हैं कि यह स्थान पहले बहुत ही गहराई में बसा हुआ था, लेकिन आज धीरे धीरे इसकी महिमा इतनी बढ़ गई है कि आज दूसरी सोमवारी को लोग सैकड़ों और हजारों की संख्या में यहां दूध पिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। लोगों की मुखवाणी से मैंने सुनने का भी काम किया और मैं इसे प्रमाणित करने के लिए यहां के कुछ लोगों से जानकारी भी लूंगा। जानकारी लेने के बाद यह तो जरूर साबित हो जाएगा कि सत्यता क्या है। आप देख सकते हैं कि दूर दराज ठीक चारों तरफ से खेत और बीच में बसा हुआ यह बेला महादेव मंदिर लोगों के लिए आज काफी चर्चा का विषय बन चुका है। चर्चा ऐसी वैसी नहीं, कहीं ना कहीं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पर इन बेला महादेव मंदिर का नाम आज लोगों की जुबान पर है। लोग कह रहे हैं कि यहां आने के बाद मुरादें परिपूर्ण और पूरी हो जा रही है, क्योंकि खुद यहां भगवान पधार गए हैं और पधारने के बाद वो दूध पीने का काम कर रहे हैं। आइए लोगों से जानेंगे कि कौन कौन से लोगों ने दूध पिलाने का काम किया है। चाची थोड़ा सा इधर आप देखिएगा, आप ही से हम जानना चाह रहे हैं। ये थोड़ा सा इधर भी तो बोलिए, क्या नाम हुआ आपका, जोर से बोलिए। उषा देवी। आप ये जो दूध पिलाने का काम कर रहे हैं किनको कर रहे हैं? क्या ये दूध पीने का काम कर रहे हैं? एक बात बताएंगे, दूध कहीं नीचे तो नहीं गिर रहा? नहीं गिर रहा। ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर के। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। कहाँ घर हुआ आपका? रामपुर। एक बात बताएंगे, आज बेला महादेव मंदिर में आप बाबा को जल चढ़ाने आए, दूध भी चढ़ाए, क्या अगले सोमवार की भांति सोमवार को भी बाबा का जो बैल है वो दूध पीने का काम किए हैं? हाँ जी किए हैं। पहले तो हमको विश्वास नहीं हुआ कि मतलब हम जब समझ लिए तो बाबा को जल चढ़ा रहे थे, हमको लग रहा था कि नीचे गिर रहा, लेकिन मेरी बहन थी तो उसको बोले कि नीचे उंगली कर लो, तो वो नीचे उंगली की और हम पिलाए, तो उसका उंगली में थोड़ा सा भी नहीं आया, हम मतलब पूरा चला गया मतलब नंदी जी के हाथ में और शिव जी के। दूध कौन कौन पी रहे थे? दूध नंदी जी भी पी रहे थे और शिव जी भी। मैया पार्वती जी पी रहे हैं? मैया पार्वती तो हम पिलाए नहीं है, पी रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? पुष्पा कुमारी। क्या बोले? पुष्पा कुमारी। और आपका घर कहाँ हुआ? रामपुर। एक बात बताएंगे, इस मंदिर का क्या नाम है? मंदिर का बेला महादेव। बेला महादेव। सुनने में आया है कि यहाँ नंदी महाराज को दूध पिलाने के बाद वो दूध पी ले रहे हैं। हाँ पी ले। कैसे मतलब, क्या आपने पता किया कि हाँ दूध पी रहे हैं या फिर दूध नीचे गिर गया? पंडित जी बोले अलाउंस करे, बस पिलाने आ गए। अच्छा, आपने पिलाने का काम किया। एक बात बता दे, आप चम्मच से पिलाए थे हाथ से? चम्मच से। तो वो चम्मच वाला दूध जो था वो नीचे गिर गया या फिर बेला महादेव पी लिए? नीचे नहीं गिरा। नीचे नहीं गिरा। क्या नाम हुआ आपका? और आपका घर कहाँ हुआ? बट्टाराम। एक बात बताएंगे, बेला महादेव मंदिर में दूध पिलाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, क्या आपने दूध पिलाने का काम किया है? हाँ, हम दूध पिलाए। दूध कौन पी रहे हैं?
बस हम। आपने किस तरीके से पता किया कि हाँ वो दूध पी रहे या फिर नीचे चम्मच से दे रहे थे, उसके बाद हम उसके वेकांत पे हाथ रख के छाक रहे थे कि हाथ पर तो दूध नहीं गिरता है, तो हम चम्मच से देते हैं, हाथ पर मेरा एक बूंद दूध भी नहीं लगा। अच्छा एक बात बताएंगे, ऐसे में क्या लगता है कि लोगों की जो मनोकामना है वह यहाँ पूरी हो रही है? हमको लगता है लगभग पूरी हो रहा है, तब तो इतना भीड़ लग रहा है। अच्छा आप जब से आए हैं तब से अनुमानित कितना भीड़ लग गया होगा यहाँ? जब से यहाँ पर आए हैं तब से 2-4 हजार के यहाँ पर भीड़ लग गया है। यानी ये अगले सोमवार का जो मतलब कि अगला सोमवार से इस सोमवार कुछ ज्यादा ही भीड़ लग गया है। तो ये सुनने के बाद कि मतलब दूध नहीं है, सुनने के बाद ऐसे तो 10-5 लोग ऐसे आता था पूजा करने के लिए सावन सावन में, लेकिन जब सुनने के बाद तो भीड़ पूरा लग गया।